आयुर्वेद को लेके लोगों के मन में बहुत सारी गलत धारणाएं होती हैं। कई लोग को लगता है कि आयुर्वेद से किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है, आयुर्वेद की दवा में तो स्टेरॉयड मिला देते हैं, या फिर आयुर्वेद से मतलब सब कुछ शरीर खराब हो जाता है। बट कई लोग हैं जो कि आयुर्वेद पे पूरा ट्रस्ट करते हैं और उनको पता है कि आयुर्वेद से बहुत अच्छा फ़ायदा भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स का हम फीडबैक डालते रहते हैं। आज ऐसे एक और पेशेंट है जिन्होंने आयुर्वेद की जो मेडिसिन है वो प्रॉपर फॉलो की, पंचकर्म में उनको विरेचन और हमने भस्ती की। तो चलिए उनका फीडबैक देखते हैं क्या है। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा कोपरे है। कहाँ से हैं आप? मैं कल्याण से हूँ। कल्याण से हो आप? ठीक है, तो आप यहाँ क्लिनिक में आए थे सबसे पहले 18 जुलाई 2021। हाँ ठीक, फिर कुछ दिन दवा लेने के बाद अपनी दवा थोड़ी सी गैप हुई थी, हाँ और इस बार आपने दवा कंटिन्यू किया विद पंचकर्म। यस। ठीक है, क्या क्या तकलीफ थी आपको? मुझे तो शुगर का प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, हिपेटोमेगली का भी तकलीफ था। लीवर का हाँ साइज बढ़ लीवर, गया था। हाँ, और बल्क यूट्रस का भी प्रॉब्लम हुआ था, और एक्सेस बाउल गैस का भी अभी डिटेक्ट हुआ रिपोर्ट में था, आया था आपके, रिपोर्ट में है आया ना? था। क्या था? स्टोन भी? हाँ स्टोन था, तो पहले दवाई से, आपकी दवाई से तो वो ठीक हुआ था। हाँ, और अभी ये प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, तो ये सब में मतलब कैसे शुरू हुआ ये तकलीफ, कुछ पता है कैसे चालू हुआ था आपको ये? ये तो अभी 17-18 साल पहले शुरू हुआ था, फिर मैंने एलोपैथी का किया 17 साल, फिर 3 साल मैंने होम्योपैथी किया, तो उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर मैंने सर के वीडियो देखे, तो मुझे तो बिलीव था, फिर भी चांस लिया कि करके देखते हैं, तो फिर यहाँ आई तो मुझे बहुत रिलीफ मिला। ठीक, तो आपने, आपको बल्कि यूट्रस आपका 2022 में नॉर्मल भी हो गया था। हाँ नॉर्मल हुआ था पहली बार। ठीक है, अभी सबसे बड़ी क्या क्या आपकी तकलीफ थी जब इस बार आप आए थे क्लिनिक में इस छः बार महीने तो बाद? मेरा सबसे जैसे, पहले आपने कॉन्स्टिपेशन बोला था, हाँ उसमें कॉन्स्टिपेशन क्या का होता भी, था एग्जैक्टली? कॉन्स्टिपेशन में तो मुझे बहुत मोशन भी क्लियर नहीं थे, और कैसा होता था? कड़क, चिक्कड़, स्टिकी? कभी कभी तो होता ही नहीं था, और दर्द भी ज़्यादा था, जैसे कि कभी कभी ब्लीडिंग भी होती थी, लेकिन जैसे ही आपकी दवाई लिया तो मुझे रिलीफ मिला। को मतलब ऐसी कोई चीज थी, कोई चीज थी जिसको खाने से आपको मतलब स्टूल वाली जो प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की बढ़ जाती थी, वो तो या इतना इतना, आपने हाँ ध्यान इतना नहीं ध्यान दिया नहीं था? दिया मैंने। ठीक, फिर आपने सेकंड चीज बोली थी हेयर फॉल, बाल बहुत झड़ने का तकलीफ हाँ था, हाँ हाँ वो कब से चालू हुआ था? वो तो पहले से ही चालू है, लेकिन दवाई लेने के बाद कम भी हुआ था, थोड़ा कम लेकिन हुआ वापस था। फिर शुरू हुआ। अभी आपकी एक्सेसिव गैसेस की तकलीफ कैसी है? अभी जब से वमन किया है तब से बहुत रिलीफ, मतलब 90% तक रिलीफ मिला है मुझे। आपका हमने वमन किया था लगभग हाँ 2 हफ्ते वमन, पहले वमन हाँ आपका किया हाँ था दो ना? हफ्ते पहले हाँ, वमन हुआ। वो वमन का एक्सपीरियंस कैसा था, और वमन के पहले क्या क्या तकलीफ होती थी? वमन के पहले तो एसिडिटी एसिडिटी आपको का बहुत तकलीफ था, क्या गैस का भी तकलीफ क्या था। होता था एसिडिटी में? एसिडिटी में खट्टी डकार भी आते खट्टी थे, ढका, हाँ सीने खट्टी में डकार, जलन हाँ होता जलन भी था, होता था, और हेडेक भी होता था, एक्सेसिव हेडेक होता था, हाँ, और पेट दर्द, पेट में भी दर्द था। कोई चीज़ थी जिसको खाने से आपकी एसिडिटी बढ़ जाती थी? ज़्यादातर कुछ खट्टी चीज़ें कुछ ऐसे खाएंगे, खट्टे में तो जैसे दही, दही तो मैं लेती नहीं हूँ, लेकिन अगर फ्रूट भी खाएंगे जैसे ग्रेप्स वगैरह तो भी तकलीफ़ होती कोई थी। भी फल थोड़ा भी खट्टा है तो हाँ आपकी खट्टा है तकलीफ तो तकलीफ़ थी। बढ़ जाती थी। हाँ तो सर खाना खाएगा तो भी तकलीफ होता हाँ था उसको, नॉर्मल खाने से नॉर्मल भी? हाँ खाने से भी नॉर्मल वो भी वन थोड़ा भी टाइम, खाएगा ना तो भी उसको जब खाना खाने के बाद भी दर्द होता था, ये भी प्रॉब्लम होता था ठीक, उसको। तो आपको फिर हमने 5 दिन घी घी पिलाया, आपने पिया हाँ ना? हाँ हाँ ठीक है, तो घी पीने के बाद फिर आपको मसाज किया और वमन किया, वमन किया। तो वमन के करने के बाद अब कैसा है एसिडिटी? अभी तो वो तो 90% तक रिलीफ हुआ है, अभी एसिडिटी नहीं हुआ है। कुछ खाने में अगर ऊपर और नीचे होता है तो ही तकलीफ होती है, लेकिन अभी तो वो पूरा पूरी तरह ठीक है। वरना खाने के बाद जो तुरंत तकलीफ बढ़ती थी अभी ऐसा कुछ हाँ भी अभी नहीं ऐसा है। कुछ नहीं है, लाइफ में फर्स्ट टाइम वमन किया था? फर्स्ट टाइम वमन किया। हाँ, तो वो कैसा था एक्सपीरियंस? कुछ डर वर था वमन हाँ का? पहले डर बहुत तो डर बहुत था। था, विरेचन का तो मैं तैयार थी, करेंगे कुछ ऐसा इतना नहीं लगेगा, वमन का लगा था कि मैं कर पाऊँगी, मतलब नहीं कर पाऊँगी, इतना मुझ में है नहीं है, पेशेंस भी नहीं है और शक्ति भी नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ किया कुछ नहीं लगा, एकदम वमन रिलीफ। स्मूथली आपका आप हो भी गया ऐसे लग है रहे, ना, विरेचन भारी होगा विरेचन इससे। भारी होगा? हाँ ठीक है, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ था, वो हाँ अभी अपन रिपोर्ट करा के देखेंगे कितना कम हुआ है। और आपको गैसेस का अभी तकलीफ कैसा है बस्ती करने के बाद से? वो उसमें बहुत रिलीफ है, अच्छे से मतलब ठीक लग रहा है। ठीक,
अभी पेट में दर्द वर्द मरोड़ होना कुछ? नहीं नहीं वो भी मोशन नहीं। ठीक से साफ होता है? हाँ हो रहा है। अभी सिर दर्द जैसी कुछ तकलीफ? नहीं वो तो जैसे ही एक ही है ना उसके बाद से एकदम ठीक है। हाँ। बस्ती करने से एनर्जी लेवल कैसे हैं आपके? अच्छा लग रहा है अभी 2 दिन से तो एकदम रिलीफ लग रहा है। मतलब पहले वाह मैं बहुत टाइम सोती थी लेकिन अभी सुबह ही नींद खुलती है और एक लाइफ सोर्स जैसे एनर्जेटिक फील हो रहा है। आपको नींद ना आने का भी तकलीफ बीच में चालू हाँ हुआ हाँ था ना, हाँ वो हाँ कैसा है अभी? अभी अच्छे से नींद आ रहे। तीन मतलब दिन से डिस्टर्ब धारा नींद। हाँ डिस्टर्ब नींद शिरोधारा थी। चालू किया है हाँ आपको, हाँ तो उससे भी मन शांत लगता है। हाँ तो इनको तकलीफ थी शुगर की, शुगर की तो हम हर 3 महीने में रिपोर्ट्स देखते हैं। थायराइड का इश्यूज था, बल्कि यूटेरस और हेपेटोमेगाली जैसी तकलीफें थी, और एसिडिटी, नींद ना आना, बाल झड़ना, बहुत सारी तकलीफ थी। उसके लिए हमने पहले विरेचन प्लान किया था, पर वसंत ऋतु होने के कारण और घी पीने से ऊपर का उत्क्लेश होने के कारण हमने इनको वमन किया था, फिर बस्ती, और अभी जो भी ये व्हाइट कपड़ा बांधा है वो धारा के कारण है, 3 दिन की शिरोधारा के कारण। तो हाँ, फिर कैसा है अभी आयुर्वेद के प्रति आपका भी क्या लगता है ये ट्रीटमेंट करा के? मैं तो सबसे बेस्ट मतलब तीनों पैथी में जैसे एलोपैथी जैसे मैंने किया एलोपैथी जो आपने एक्सपीरियंस होम्योपैथी। किया हाँ है? तीनों हाँ पैथी का मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं तो इसको बेस्ट मतलब एक्सेलेंस मानूंगी क्योंकि प्रॉब्लम से रिलीफ भी है और कुछ साइड इफेक्ट भी नहीं है। और अभी आप डाइट, आयुर्वेद की जो डाइट थी वो डाइट आप फॉलो करते हाँ हो? वो तो पूरी तरह फॉलो करती डाइट भी आपने को एक समझ में आता है कि भाई क्या गर्म है हाँ क्या अभी ठंडा है? जैसे आयुर्वेदा से क्या खाने से क्या तकलीफ होती है तुरंत पता चलता है कि ये ऐसी चीज़ गई है इस वजह से ये तकलीफ हो रही है ये तुरंत पता चलता है। चलेगा। तो ये हैं रेखा जी, जिन्होंने आयुर्वेद के वमन और बस्ती ट्रीटमेंट किया, और इनकी एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं अच्छी खासी रिलीफ है। अब इनको जो हेयर फॉल और बाकी चीज़ों की तकलीफ है उसके लिए हम इनको घर पे जो छोटी बस्ती होती है, तेल की बस्ती, दूध की बस्ती, वो देंगे, जिससे कि उनके बाल की समस्या और एजिंग। अभी आपको पीरियड्स आता है? हाँ। बट पीरियड बंद होने के बाद जो लेडीज़ को स्पेशली मेनोपॉज के बाद की जो तकलीफें होती हैं, हड्डियों की तकलीफ, मूड स्विंग होना, यस बहुत गुस्सा, चिड़चिड़ापन, वो सब तकलीफ निकल जाएगी। तो ये था रेखा जी का फीडबैक आयुर्वेद को लेके। ऐसे कोई और फीडबैक के बारे में हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।